नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं दिनेश शर्मा। यूपी की सियासत में करहल विधानसभा सीट वीआईपी सीटों में शामिल है। इस विधानसभा चुनाव में करहल हाई प्रोफाइल सीट बन गई है। यहां तीसरे फेज में 20 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। पूरे प्रदेश की नजरें करहल विधानसभा सीट पर टिकी हुई है। इस बार यहां सपा चीफ अखिलेश यादव मैदान में उतरे हैं। बीजेपी ने अखिलेश के खिलाफ केंद्रीय मंत्री और आगरा से सांसद एसपी सिंह बघेल को चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि बीएसपी ने यहां दलित चेहरे कुलदीप नारायण पर अपना दाव लगाया है। कांग्रेस ने इस बार इस सीट पर उम्मीदवार नहीं उतारकर सपा को ही समर्थन दिया है। उम्मीदवारों की संख्या कम होने और सियासी धुरंधरों के करहल से चुनाव लड़ने के चलते यह मुकाबला दिलचस्प हो गया है। करहल विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा है। बीते 3 विधानसभा चुनावों से करहल पर सपा उम्मीदवार ने जीत का परचम लहराया है। सपा ने यहां साल 2007, 2012 और 2017 में भी जीत हासिल की थी और इस बार भी सपा पूरे दमखम के साथ करहल में जीत का परचम लहराने के लिए मजबूती के साथ जोर लगा रही है। साल 2017 के चुनाव नतीजों की बात करें तो यहां सपा ने जीत का परचम लहराया था। समाजवादी पार्टी के सोबरन सिंह यादव ने 1,04,221 वोट लेकर जीत हासिल की थी। उन्होंने बीजेपी की रमा शाक्य को 38,405 वोटों के मार्जिन से हराया था। रमा शाक्य को 65,816 वोट मिले थे, जबकि बीएसपी के दलवीर 29,676 वोट हासिल करके तीसरे नंबर पर रहे थे। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में करहल में कुल 49.57% वोट डले थे। 3 दशक से सपा का करहल विधानसभा सीट पर कब्जा चला रहा है। ऐसे में करहल सीट सपाई दबदबे के साथ जातीय समीकरण के लिहाज से भी अखिलेश यादव के लिए एकदम मुफीद सीट है। यहां जातीय समीकरणों की बात करें तो करीब 3,71,000 वोटर हैं। इसमें यादव वोटर की संख्या करीब 1,44,000 है, यानी कि कुल वोटर्स का 38% वोट सिर्फ यादवों का है और यादवों को प्रमुख रूप से सपा का ही वोटर माना जाता है। इसके अलावा अनुसूचित जाति के वोटर 16%, ठाकुर 13%, ब्राह्मण 12% और मुस्लिम मतदाता 5% हैं। इस सीट पर सियासी ताज के लिए सपा और बीजेपी पूरा जोर लगाती दिख रही है। अखिलेश यादव पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। सियासी रणनीति के तहत इसे सुरक्षित सीट मानते हुए उन्होंने यहां से मैदान में उतरना अपने लिए फायदेमंद समझा, क्योंकि करहल सीट सपा का गढ़ रही है और यहां यादव मतदाता सबसे ज्यादा हैं। वहीं उनके सामने बीजेपी उम्मीदवार एसपी सिंह बघेल मोदी सरकार में मंत्री हैं और सपा चीफ अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव के शिष्य भी रहे हैं। मुलायम सिंह यादव ने ही एसपी बघेल को साल 1998 में जलेसर सीट से मैदान में उतारा था। इसके बाद बघेल सांसद भी बने थे और बीएसपी में शामिल हो गए थे। 2017 में बीजेपी ने बघेल को टूंडला से टिकट दिया था। बघेल चुनाव जीते। इसके बाद साल 2019 के आम चुनाव में बीजेपी ने बघेल को आगरा से मैदान में उतारा था और चुनाव जीतकर वे मोदी सरकार में मंत्री बने थे। इस तरह से इस सीट पर सपा और बीजेपी दोनों के ही उम्मीदवार अपने आप में दिग्गज हैं। करहल विधानसभा सीट पर सियासी रण जीतने के लिए सपा और बीजेपी दोनों ही जीजान से जुटी हैं। एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं। सपा का दावा है कि योगी राज में बीजेपी ने यूपी में विकास के काम नहीं कराए। वहीं बीजेपी बार बार कह रही है कि यूपी में यदि गलती से सपा आ गई तो समझ लेना गुंडा राज आ जाएगा। वहीं दोनों ही दल सत्ता में आने पर करहल और यूपी में विकास की गंगा बहाने के दावे कर रहे हैं। जनता से अपने प्रचार अभियान में विकास से जुड़े और भी कई दावे और वादे किए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि करहल की जनता किस पर अपना विश्वास जताती है और किसे यहां से चुनकर विधानसभा में भेजती है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।